नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका शिक्षक आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। संडे का दिन है, शुरुआत करेंगे आपके साथ। तारीख है 23 अगस्त की और टॉपिक है अपना नेशनल पार्क और सेंचुरीज का। जी हाँ दोस्तों, संडे का दिन है, एडिटोरियल नहीं कराना मुझे, आपको कराना है मुझे। आज सुपर संडे मनाएंगे हम लोग। सुपर संडे का पहला टॉपिक है अपना आज नेशनल पार्क और सेंचुरीज का। अजय दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। आप फटाफट आइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हम शुरू करने वाले हैं आपका अमेजिंग सेशंस का नाम है नेशनल पार्क और सेंचुरीज वाला। याद होगा हम इसकी पहले बात कर चुके हैं, ऑलरेडी एक क्लास की हो चुकी है, आज उसका सेकंड पार्ट है, कंटिन्यू पार्ट है दोस्तों। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम का सेशन है आपके लिए। इस साल का एग्जाम, अगले साल का एग्जाम देने जा रहे हैं नेशनल पार्क और सेंचुरीज पर, इससे बेहतरीन लेक्चर आपको शायद ही मिले यहाँ पर। तो आइए फटाफट ज्वाइन कीजिए मेरे साथ सबको। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओके, शुरुआत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बता दूं मैं आपको यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी 15 साइट्स की, हमने बात की थी 15 स्थानों की बात की थी। मुझे मालूम है उसमें लगभग 50-60 हमने स्थान कर लिए थे हम लगभग उसके अंदर। ऑलमोस्ट 50-60 हमने नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को हमने देख लिया था उसके अंदर। आज कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले ज़रूरी बात, मेरी आवाज़ आप तक पहुँची क्या नहीं, विजुअल्स आप तक पहुँचे क्या नहीं, बताइए मुझे आप लोग। सब कुछ ठीक होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आपको पहुंच गया है। चलिए शुरू करेंगे आपके साथ दोस्तों। सब जानते हैं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए चलती है क्लासेस मिशन आईएएस की और H2.0 की, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें मिशन आईएएस 2021 के लिए और एच जो साल प्री देने जा रहे हैं एग्जाम उनके लिए दोस्तों। इसके अलावा आप जानते हैं प्लस पर आपके लिए कोर्स आए हैं आशीर्वाद सर आपके लिए, और प्लस पर क्या चल रहा है आपके साथ, आर्ट एंड कल्चर क्लास चल रहा है वहाँ पर इस समय। ज्वाइन कीजिए लाइव क्लासेस को आर्ट एंड कल्चर की मेरे साथ। और इसके अलावा जो आने वाले सेशंस हैं आने दिनों में आपके, इकोनॉमी का सेशन, आईआर का सेशन और इंटरनल सिक्योरिटी का सेशन, उसे भी आप पढ़ पाएंगे यदि आप जुड़ते हैं मेरे साथ अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर। ना केवल मुझे बल्कि जितने भी अच्छे टीचर हैं, जो टीचर हैं रियल में, आप उनको देख पाएंगे यहाँ पर अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर मेरे साथ, और उनसे पढ़ पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे आप, उनके गाइडेंस में आ पाएंगे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में दोस्तों, जहाँ हो रही है लाइव क्लासेस, जहाँ हो रही है क्विज, डाउनलोड आप टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, अनलिमिटेड लाइव क्लास चल रही है दोस्तों। ज्वाइन कीजिए हमको इस प्लेटफॉर्म पर भी। जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करिए अपने अपने सिस्टम पर, अपने फ़ोन पर उसको, अपने कंप्यूटर पर उसको, और अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए। और 1 से लेकर 24 मंथ के फीसेज हैं डिफरेंट प्रकार के। फोकस कीजिए कि आप 12 मंथ 24 मंथ में एडमिशन ले पाएँ, और यूज़ करिए आशीर्वाद 10 रेफरल कोड, जिससे आपको एक डिस्काउंट प्राप्त हो सके, 10% का आपको डिस्काउंट मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ जानकारी के अलावा। आपके थोड़ा गला खराब है भी। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। आपका करंट अफेयर सेशन आप जानते हैं मेरे साथ, करंट अफेयर सेशन होता है न्यूज़ एनालिसिस अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर, रात को 10:15 बजे डेली होता है आपका ये न्यूज़ एनालिसिस, जहां हम लोग पढ़ते हैं अमेजिंग करंट अफेयर्स आपके साथ, जहां पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को। आइए ज्वाइन कीजिए मुझे यहां पर आप लोग। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। बात करें हम लोग नेशनल पार्क्स के बारे में, आज चार चार ऊपर नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे आपके साथ। ओके, पहला नेशनल पार्क आपके स्क्रीन पे दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क चर्चा में था। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आराम सुनिएगा। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आता है आंध्र प्रदेश में। ये कई जाना जाता है कई चीज़ों के लिए अपनी, यहाँ पर है कहाँ पर, लोकेशन कहाँ पर बात करूँगा इसकी, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। अब मैं कहूँगा आपने तिरुपति का मैप में लोकेशन कहो भी को, तिरुपति मंदिर जहाँ बना है बिल्कुल उसके पास में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, बिल्कुल सदर्न ऑफ आंध्र प्रदेश में आता है, दक्षिण में आता है आंध्र प्रदेश के बिल्कुल। ये वेंकटेश्वर नेशनल पार्क चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर। ये इन पॉइंट बात क्या है, फेमस है अपने कई जलप्रपात के लिए, बहुत अच्छा फेमस है अपने यहाँ में जलप्रपात के लिए, काफ़ी है, काफ़ी कुछ इसमें जलप्रपात हैं। यहाँ पर बात करते हैं एक बार आपके साथ आखिर दुनिया के लिए।
जैसे हम बात करें यहाँ पर तालाकोना जलप्रपात की बात करें हम लोग, गुंडलकोना या फिर गुंजना, ये तीनों जलप्रपात हैं। कहाँ पर दोस्तों? ये आते हैं वेंकटेश्वर नेशनल पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो नेशनल पार्क है फेमस है अपने लकड़बग्घे के लिए, हाइना बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं यहाँ पर, जंगली बिल्ली यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में है, भारतीय लोमड़ी यहाँ मिलेगी आपको, फॉक्स मिलेगा यहाँ पर, और कई प्रकार के अन्य जीव मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो मैं फेमस है फॉर अपने लकड़बग्घे के लिए, हाइना के लिए फेमस है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा आज से 22 साल पहले इसे घोषित किया गया था नेशनल पार्क 1998 में। ये एक पतझड़ी वन प्रकार चीज़ है, पतझड़ी वन यहाँ पर है बेसिकली, ये तो शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ी वन आप बोल सकते हैं समझने के लिए। ये फॉरेस्ट है यहाँ पर, और ये फॉरेस्ट आते हैं शैशलम की पहाड़ियों में। याद रखिएगा शैशलम का हिर इलाका है, वहाँ पर आते हैं पहाड़ियाँ ये। तो शैशलम की पहाड़ियाँ, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क फेमस फॉर देयर हाइनास, नेशनल वाटरफॉल बड़ी मात्रा में बने हैं यहाँ पर दोस्तों। आइए देखते हैं लोकेशन इसकी, और ख़ास बात है यहाँ का मंदिर जो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। आइए पहली बात तो कहाँ की बात हो रही है, ये है आपका ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये फैला हुआ आपका ईस्टर्न घाट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ आपका ईस्टर्न घाट का इलाका, ये फैला हुआ आपका ईस्टर्न घाट का इलाका। अब आइए थोड़ा नीचे आते हैं आपके साथ, बे ऑफ बंगाल में बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा की बात करूँ, ये आप सीमा दिख रही है आपको तमिलनाडु और आंध्रा की यहाँ पर, ये पुलिकट लेक आपका, और ये बना है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क शैशलम वन क्षेत्र। तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और यहाँ बना है आपका, जानते हैं आप लोग, मंदिर वेंकटेश्वर महाराज का मंदिर बना है, लॉर्ड वेंकटेश्वर का मंदिर, तिरुपति का मंदिर। तो आंध्र प्रदेश में बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे बाउंड्री के पास आप तमिलनाडु बॉर्डर पर, तो शैशलम फॉरेस्ट और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, एक मैप और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, तो तिरुपति मंदिर देख रहे हैं आप बिल्कुल सीमा पर, तिरुपति मंदिर है यहाँ पर ये, और तिरुपति मंदिर के जस्ट पीछे आप देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और ये है तालाकोना का वाटरफॉल, फेमस तालाकोना का, और ये पूरे जंगल कौन से हैं दोस्तों, शैशलम की पहाड़ियाँ हैं, और तिरुपति का मंदिर यहीं बना हुआ है आपका। तो याद रखिए सारी लोकेशन काम की है, तिरुपति मंदिर है तिरुपति का, लॉर्ड वेंकटेश्वर का मंदिर है दोस्तों वहाँ पर, तालाकोना वाटरफॉल, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और ये बना था 1998 में एक नेशनल पार्क दोस्तों। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है, इसके अलावा टाइगर्स मिलते हैं यहाँ पर, काले भालू मिलते हैं, एशियाटिक भालू मिलेंगे आपको यहाँ पर, टाइगर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में। चलिए दोस्तों, पहला है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। दूसरी चीज़ बात करें अरुणाचल के दोस्तों, अरुणाचल की बात मैं करूँ आपके साथ, अरुणाचल का पूरा डिटेल देख लेते हैं हम लोग, चर्चा बार बार आती है क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट के, जो मैंने लास्ट टाइम आपको याद हो नागालैंड की बात मैंने की थी डिटेल में, नागालैंड की बात हुई थी लास्ट वीक या लास्ट क्लास में, आज हम बात करेंगे नागालैंड से और अलग जाकर अरुणाचल में चलते हैं आपको लेकर। अरुणाचल का एक एक नेशनल पार्क हम देखेंगे, एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे आपके साथ, अरुणाचल में कहाँ क्या है, क्योंकि इस बार अरुणाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ, इस बार या आने वाले सालों में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि यूपीएससी का क्या पूछ चुका है, यूपीएससी इसे पूछ चुका है अपने एग्जाम में, नाम दफा पूछ चुका है, और दो साल पहले इसको भी पूछ चुका है। तो इन आप देख रहे हैं लगभग 8, 9, 10 जो सेंचुरीज वहाँ पर हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और भी हैं इसके अलावा, डॉट डॉट लगाए और भी हैं इसके अलावा जो आए नहीं स्क्रीन पर, इनके अलावा और भी हैं, तो इनमें से लगा 3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है अपने प्रीवियस एग्जाम में। तैयार रही अरुणाचल के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर नेशनल पार्क, जो भी वहाँ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको लेकर एक काम करेंगे, मैप देखेंगे आपके साथ, एक एक करके बात करेंगे डिटेल में हम लोग यहाँ पर दोस्तों आपके साथ, काम की चीज़ें इसके अंदर हैं। चलिए इस हफ्ते या मैं इस कहूँगा बिहार में चर्चा में रहा कौन सा पहले, तो मौलिंग नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो मौलिंग नेशनल पार्क जो मैं कह रहा हूँ उससे चर्चा में इस सब हफ्ते रहा या अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा मौलिंग नेशनल पार्क, आइए रहा ये दोस्तों सुनिएगा, मौलिंग नेशनल पार्क और उसके बगल में बना हुआ दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मौलिंग राष्ट्रीय पार्क है और उसके बगल में दिबांग क्या है वन्यजीव अभयारण्य है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मालूम है आपको, देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। जी हाँ सही सुना आपने, मौलिंग और दिबांग ये मिलकर तैयार करते हैं दिहांग दिबांग का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर एक बकरी पाई जाती है बहुत फेमस बकरी मिशमी टकिन, बकरी थोड़ी बड़े आकार की होती है, आपको लगता है कि बड़ी बकरी है या भैंस है या ये क्या है, ये बकरी का साइज़ होता है मिशमी टकिन कहते हैं इसको हम लोग, मिशमी जनजाति का नाम भी है, मिशमी पहाड़ी का नाम भी है वहाँ पर, उसी के नाम पर ये टकिन कह लीजिए, ये बकरी की प्रजाति होती है एक प्रकार की, एंथलोप है एक प्रकार का, गॉट एंथलोप है ये, ठीक है। इसके अलावा कस्तूरी मृग मिलता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर रेड पांडा मिल जाएगा आपको इसमें, काले भालू मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, टाइगर मिल जाएगा, उड़ने वाली गिलहरी बहुत फेमस है, फ्लाइंग स्क्वायर मिल जाएगी यहाँ पर, तो मिशमी जाइंट फ्लाइंग स्क्वायर
उड़ने वाली गिलहरियाँ जो हैं बड़े आकार की होती हैं वो मिलेंगी आपको यहाँ पर। कुल मिलाकर काफ़ी कुछ है मोहलिंग नेशनल पार्क के अंदर दोस्तों, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ मिलकर ये तैयार करता है दिबांग का बायोस्फीयर रिजर्व। दिबांग का बायोस्फीयर रिजर्व तैयार करते हैं दोस्तों हम लोग इसको मिलाकर यहाँ पर। सुन लीजिए यहाँ पर दोस्तों, सुन लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ प्लीज़ पढ़ लीजिए दोस्तों, याद रखिएगा। मिशमी डकिन की बात करूँ पहले, मिशमी डकिन चर्चा में आई थी कुछ दिनों पहले, ये छोटी जाकर बकरी है लेकिन ये बड़ी फैमिली का पार्ट है। टकिन जो होते हैं दोस्तों, ये टकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक प्रकार से दुधारू पशु होते हैं, चैमोजिस कहते हैं इनको हम लोग, कई बार गुनू गॉट भी कहते हैं, नू गॉट भी कहते हैं। तो नू बकरी भी क्या लिख सकते हैं इनको, गुनू बकरी, या एक प्रकार से मवेशी हैं एक प्रकार के बड़े आकार के, ये तो कहने को बकरी है लेकिन अपने आप में बड़े आकार की थोड़ी सी होती है ये। ये क्या है दोस्तों, एंडेंजर्ड प्रजाति है, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजाति है, आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, संकटग्रस्त प्रजाति है ये, ठीक है। हमारे यहाँ मिलती है अरुणाचल में मिशमी टकिन, जो कि टकिन की एक सब स्पीसीज है, एक उपप्रजाति है। टकिन क्या बताया मैंने आपको, बकरी होती है एक प्रकार की। दुनिया में चार प्रकार की टकिन पाई जाती हैं, मिशमी टकिन, गोल्डन टकिन, तिब्बतन टकिन और भूटान टकिन। तो एक तिब्बत के चीन में मिलती है, भूटान में, और दो अरुणाचल मिलती है हमको, मिशमी टकिन और गोल्डन टकिन। तो ये जुड़ा हुआ इलाका है पूरा ये, तो ये बड़े जीव दिख रहे हैं आपको, ये बकरी का एक प्रकार है ये। मिशमी टकिन और गोल्डन टकिन इंडिया मिलती हैं याद रखिएगा, तिब्बतन टकिन नाम से स्पष्ट है, भूटान टकिन भी आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। तो मिशमी टकिन कहाँ मिलती है दोस्तों आपको, मिशमी टकिन मिलती है आपको मोहलिंग नेशनल पार्क में, ठीक है, याद रखिए सारी बातें काम की हैं ये। और मिशमी टकिन क्या है दोस्तों, ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है प्रजातियों में यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो मिशमी टकिन हम बात कर रहे हैं, गोट एंटलोप बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में इसको, तो एक प्रकार से ये भेड़ बकरी का एक प्रकार है अपने आप में ये। चलिए इसके अलावा थोड़ी बात करूँ अरुणाचल की बात में कर रहा हूँ दोस्तों, चलो अरुणाचल में लेकर आपको अलग से, मैं अरुणाचल का मैप देख लें पहले हम लोग, एक काम करते हैं। ओके आइए रहा, कुछ चीज़ ढूंढने का प्रयास करें अरुणाचल में। पहली बात तो कहाँ कहाँ हो रहा है, नंबर एक आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर बीच में, ये नंबर एक है। तो मैप पर देख सकते अरुणाचल का मैप दिख रहा है आपको, ऊपरी जिला है ईस्ट सियांग, नंबर एक पे है दोस्तों मोहलिंग नेशनल पार्क, ये बीच में आपको दिख रहा है बिल्कुल चीन की बॉर्डर है, चीन है ऊपर आपका, जस्ट नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ईस्ट सियांग का जिला, सियांग नदी एंटर करती है यहाँ पर, तो ईस्ट सियांग जिला कौन सा है, वहाँ पर है मोहलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। ऊपर देखिए बिल्कुल चीन सीमा पर देखेंगे, चार नंबर आपको दिख रहा है, चार नंबर है दोस्तों दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक और चार बिल्कुल चीन सीमा पर चले गए, यहाँ बिल्कुल चीन सीमा पर देख रहे हैं मेरे संग आप लोग, बिल्कुल चीन सीमा पर, नंबर वन एंड नंबर फोर की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों आपसे यहाँ पर, नंबर वन एंड नंबर फोर जो हैं इनको मिला के बनता है दिबांग का बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है दोस्तों याद रखिए, दिबांग का बायोस्फीयर रिजर्व इनके बनता है। इसके अलावा एक चर्चा और कर लें सबके साथ आपके साथ यहाँ पर ये, इसके अलावा एक बार नज़र मार लीजिए अरुणाचल में है क्या क्या, फटाफट नज़र मारते हैं आपके साथ काम का क्या है। नीचे आइए एक बार, अरुणाचल की सीमाओं पर आ रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ साउदर्न अरुणाचल में आ रहा हूँ, जहाँ वो टच करता है नागालैंड को। तिराप जिला आपको याद होगा, चांगलांग आपको याद होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही अरुणाचल के पॉलिटिकल इशू पर हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स क्लास में, मैंने आपको बताया था कि तिराप और चामलांग आदि को मिलाकर, तिराप और चामलांग आदि को मिलाकर क्या बनाने की बात की जा रही है, पटकई का ऑटोनॉमस रीजन बनाने की बात की जा रही है। आजकल अरुणाचल में दो इलाके बहुत चर्चा में हैं, एक है मारा का जो बना है ईस्टर्न आपके अरुणाचल में, और एक है पटकई ऑटोनोमस रीजन बनाने की बात की जा रही है, क्षेत्र बनाने की बात की जा रही है, जिसमें तिराप और चांगलांग के जिले शामिल करने की बात की जा रही है। और तिलाक और चामलांग के इलाकों में देख सकते हैं हम लोग, चांगलांग में क्या बना है, दो नंबर क्या है, ये है नामदफा नेशनल पार्क, सुना हुआ नामदफा का नाम आप लोगों ने दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है अपने, रेड पांडा के लिए फेमस है अपने। तो नंबर दो बात देख रहे हैं यहाँ पर, चांगलांग जिला में आता है नामदफा नेशनल पार्क, ध्यान से देख लीजिए एक बार काम की चीज़ है, डिटेल बता रहा हूँ, मैपिंग इतनी कोई नहीं कराएगा आपको यहाँ पर दोस्तों, इतनी डिटेल में कोई नहीं कराएगा अरुणाचल की आपको। तो दो नंबर पर देख रहे हैं नामदफा नेशनल पार्क, इसके जस्ट ऊपर बना है सात नंबर पर क्या है सर, कैमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नामदफा नेशनल पार्क और ठीक बगल में बना है इसके कैमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों, देख रहे हैं बीच में लोहित नदी जाती है इसके बीच में से होकर, लोहित नदी गुजरती है इसके बीच में से होकर, तो भारतीय भागों में, तो कैमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सात नंबर पर और दो नंबर पर नामदफा नेशनल पार्क, इसके बीच से गुजरती है दोस्तों लोहित नदी आपकी गुजरती है, ऊपर लोहित जिला भी बनाया दिख रहा है, लोहित जिला बना है यहाँ पर, तो याद रखिएगा काम की चीज़ आपके ये। तो नामदफा और कैमलांग दोनों फेमस है हमने टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए, नामदफा नेशनल पार्क और कैमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है हमने टाइगर्स के लिए। न्यूज़ थोड़ा सुनिए, न्यूज़ क्या दोस्तों हमारे पास, न्यूज़ हमारे पास ये है कि आराम सुनिएगा, दिबांग कैमलांग नामदफा ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है दोस्तों
ये जो ब्लॉक है आपका दिबांग कैमलांग नामदफा ब्लॉक, यहाँ पर 29 टाइगर पाए गए हैं, जो बड़ी बात है अपने आप में। अभी भारत सरकार ने कुछ दिनों पर एक रिपोर्ट जारी की है टाइगर को लेकर, उसमें कहा गया है, कब आई रिपोर्ट, डाम क्या रिपोर्ट का स्टेटस ऑफ टाइगर कोप्रेडर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट है, लेकिन डेटा जारी किया 20 में आकर। तो स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट जारी की गई, उसके मुताबिक यहाँ 29 टाइगर है। किस इलाके में? दिबांग केमलांग और नामदफा, याद रहेगा हमको दिबांग कामलांग और नामदफा का जो इलाका है, तो कामलांग लोहित जिले में, नामदफा आपका चामलांग में, और उसके ऊपर बना दिबांग का, आपने देखा दिबांग देहांग, तो तीनों को मिला दिया जाए तो 29 टाइगर हैं यहाँ पर, बड़ी बात है अपने आप में। इसके अलावा काम की चर्चा सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ये खतरे में दिख रहा है हमको, क्योंकि भारत सरकार बना रही है यहाँ पर दिबांग वैली जो है, यहाँ पर बन रहा है एक पावर प्रोजेक्ट जिसको लेकर काफ़ी आपत्ति है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ लगभग एक 3000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को परमिशन मिल गई है दोस्तों। कहाँ बन रहा है ये? ये दिबांग वैली में बन रहा है, जिसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है राइट नाउ। तो याद रखिए, पूछ सकता है यहाँ चीज़ों को, क्योंकि अगर हाइड्रो पावर बन जाता है तो नुकसान होगा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को, नुकसान होगा टाइगर हैबिटेट को, नुकसान होगा टाइगर की आबादी को। तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या इटालियन हाइड्रो पावर बन रहा है, कहाँ बन रहा है दोस्तों? दिबांग वैली में बन रहा है ये। और काम की बात क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना, ये पूरा इलाका जो है फेमस है टाइगर्स के लिए, दिबांग कामलांग और नामदफा। मैप फिर देख लीजिए एक बार, तीनों का मिलाकर मैप फिर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो 2-7 और ऊपर देख रहे थे हम लोग यहाँ पर 4 नंबर पर दिबांग, तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नीचे बनाए नामदफा नेशनल पार्क, तीनों को मिला दिया जाए अगर तो बनता है आपका ग्रेट टाइगर एरिया है ये। दिबांग घाटी ऊपर, नीचे लोहित का इलाका, उसके नीचे चामलांग चांगलांग का इलाका। क्या यहाँ बात समझ में आ गई दोस्तों आपको? क्या ये बात समझ में आ गई है बताइए फटाफट मुझे। सर समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर दिबांग, नीचे कैमलांग और सबसे नीचे टाइगर रिजर्व है, वो है नामदफा नेशनल पार्क के रूप में। तो तीनों मिलकर बनाते हैं बड़ा टाइगर इलाका दोस्तों यहाँ पर। 4 नंबर 7 नंबर 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, तीनों को मिला के बनता है। अरुणाचल का डिटेल मैप देख लीजिए, क्वेश्चन बनना ही अरुणाचल से, पक्की बात बता रहा हूँ। आज 22-23 तारीख को लिख के दे रहा हूँ कि 4 अक्टूबर को इस बार एग्जाम में आएगा, और इस बार नहीं आया तो अगले साल एग्जाम में जरूर आने वाला है, तो याद रखिएगा। काम की बात है दोनों ये। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, जी हाँ कब को क्लियर है, चलिए चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, फटाफट आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। तो याद रखना है, ये हो गया अरुणाचल का इतना काम। इसके अलावा आपने याद किया मेरे साथ अभी नंबर 1 पे क्या था दोस्तों, माउलिंग याद किया आपने, नोन फॉर देयर तकिन आपने याद किया यहाँ पर। चलिए और कुछ सर जानने के लिए अरुणाचल के मैप में एक बार क्विक स्कैन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है? क्विक स्कैन करने में संग जो यहाँ पर 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है राइट नाउ यहाँ पर अरुणाचल में, 13 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक बार स्कैन कर लीजिए फटाफट। नाम क्या क्या है उनके, आपको याद होना चाहिए, मोटे स्तर पर पूछता है एग्जाम में तो नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। मौलिंग नेशनल पार्क आपने देखा, नामदफा दिखाया मैंने, डेयरिंग मेमोरियल या लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डेयरिंग की बात करें, बिल्कुल दिख रही है आपको यहाँ पर, असम से टच होता हुआ जिला है ईस्ट सियांग, वहाँ बनी है ये डेयरिंग मेमोरियल या लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं आई, चर्चा में नहीं आई। दिबांग की बात मैंने की आपके साथ, दिबांग की चर्चा कर दी मैंने। ईगल नेस्ट ये काम का है, ईगल नेस्ट की बात करें आपके साथ, ईगल नेस्ट मिलेगा आपको बिल्कुल वेस्ट कैमांग जिले में, ये भी चर्चा में है आजकल काफ़ी, वेस्ट कैमांग का जिला ये भी चर्चा में है। तो ईगल नेस्ट बनाए 5 नंबर पे आपका यहाँ पर, ये पूरा इलाका ना फेमस है अपने हॉर्नबिल के लिए, अपने हॉर्नबिल मिलते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, तो ईगल नेस्ट बनाए 5 नंबर आपका। इसके अलावा काम की चर्चा रह सकती है, आपसे पूछ सकता है, चर्चा एक बार देख लेते हैं एक बार। 5-6 पर है ईटानगर, तो सिंपल है ईटानगर जान जाएंगे आप। कैमलांग बताया लोहित जिले में आता है। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 नंबर पर, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको दिख रही है बिल्कुल नीचे यहाँ पर, ईटानगर जिले में, वेस्ट सियांग जिले में दिख रही है आपको ये 8 नंबर, बिल्कुल 8 नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पर है केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छोड़ दीजिए, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 9 नंबर पर, कुछ समस्या नहीं है इसके साथ। पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखोई ये कहाँ है सर? ये बना है 10 नंबर, पखोई ये रहा, इसे कहते हैं आप पक्के PAKKE टाइगर रिजर्व, ठीक है? पूछ चुका UPSC नंबर 10 को एग्जाम में, नंबर 10 एग्जाम में आ चुका है पकई टाइगर रिजर्व या पखोरी टाइगर रिजर्व की बात कर चुका है UPSC, तो सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वो, और टाइगर रिजर्व भी है पखोई नंबर 10 पर आप देख रहे हैं। सहसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जी हाँ ऑर्किड पे क्वेश्चन आ चुका है, पूछा था ऑर्किड पर कि ऑर्किड अरुणाचल में ज़्यादा मिलते हैं, जी हाँ ऑर्किड पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, नंबर आप 11 देख रहे हैं स्क्रीन पर, नंबर 11 कहाँ है सर? ये 10 के बगल में होगा बिल्कुल, 11 ये रहा पके के बगल में बिल्कुल बना है, जी हाँ ये रहा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर दोस्तों? ये बिल्कुल असम बॉर्डर पे आती है, याद रखना है आपको असम बॉर्डर पे आती है बिल्कुल ये, और 12 और 13 में कुछ खास नहीं है दोस्तों। 12-13 पर टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और योडी रवे
जो इलाका है वाइल्ड लाइफ रिजर्व का 12 और 13 नंबर आपके, तो ये आप देख रहे हैं 12 नंबर और 13 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए दोस्तों एक बार जूम करके देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ स्क्रीन शॉट लेने का, आराम से स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका यहाँ पर, जिससे दोनों चीज़ आपके शामिल हो जाएंगी आपके स्क्रीन शॉट में, यहाँ पर दोनों चीज़ शामिल हो जाएंगी आपके स्क्रीन शॉट में इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये है अरुणाचल डिटेल मैप, देख लीजिए। ऑर्किड पर ऑर्किड पर क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, पखोई पर क्वेश्चन पूछ चुका है, नामदफा पर क्वेश्चन पूछ चुका है। इस बार जो मेरा पर्सनल मानना है आपसे क्वेश्चन निकलेगा इस इलाके से, किस इलाके से सर, इसमें कहाँ से क्वेश्चन निकलने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन निकलने वाला है दोस्तों, ध्यान देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन बहुत निकल सकता है। तो नामदफा पूछ चुका है, 7 नंबर पर है आपका कैमांग का इलाका, यहाँ से सकता है क्वेश्चन, दिबांग से क्वेश्चन ले सकता है या मौली से क्वेश्चन ले सकता है, मौलिंग से क्वेश्चन ले सकता है। तो नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7 यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दे लीजिएगा। काफ़ी चर्चा में है इलाका, काफ़ी चर्चा में है इस बार, यहाँ पर अभी एक दो खबर और आएंगी, आगे आपको दिखाऊंगा मैं। तो अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट मैप तैयार होता है, आगे बढ़ेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ से। चलिए ये थी दोस्तों दिबांग वैली की बात, दिबांग कैमलांग नामदफा चर्चा में लगातार अखबार में आता रहा, न्यूज़ आती रही बैक टू बैक, इस पर दिहांग दिबांग की न्यूज़ आती रही बैक टू बैक, यहाँ पर हमने देखा टाइगर्स की चर्चा होती रही यहाँ पर, अरुणाचल वाइल्ड लाइफ मैप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगली लोकेशन पर आएंगे फटाफट आपके साथ, अगली लोकेशन पर आएंगे हम लोग यहाँ से। नामदफा बताया मैंने आपको, अरुणाचल में ही नामदफा फेमस है अपने टाइगर्स के लिए, तो है ये फेमस, फेमस है अपने रेड पांडा के लिए, जी हाँ रेड पांडा के लिए फेमस है अपना नामदफा, टाइगर रिजर्व भी है, रामदफा नेशनल पार्क भी है, और फेमस है अपने टाइगर के अलावा फेमस है ये अपने रेड पांडा के लिए दोस्तों। आइए बात करें आपके साथ यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क, सुन लीजिए ये पूर्वी हिमालय में, नामदफा अरुणाचल में आता है, नामदफा नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जी हाँ नामदफा नेशनल पार्क जो है ये पूर्वी हिमालय का जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है अपने में देखा जाए तो, ये देश का फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जी हाँ चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क के आकार में, ये नामदफा की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, बाकी तीन कौन से बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर दोस्तों, उड़ने वाली गिलहरी, रेड पांडा और टाइगर के लिए फेमस है अपने यहाँ पर। और नामदफा की एक बात और करूँगा आगे जाकर, बहुत रेयर है अपने यहाँ में, दिखाता हूँ एक चीज़ आपको मैं, तो उड़ने वाली गिलहरी, रेड पांडा, टाइगर आदि के लिए फेमस है अपने, देश का फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है दोस्तों ये, याद रखिएगा यहाँ पर एक विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में कहते हैं डिप्टोकॉर्पेसी फॉरेस्ट या डिप्टोकॉर्पक्राफ्ट फॉरेस्ट, याद रखिएगा मिल जाए पहचान मिल जाए, तो ये फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वनी होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही होते हैं, ऐसा विशेष बात नहीं है, लेकिन पेड़ों की विशेष प्रजातियाँ होती हैं, इनको कहते हैं डिप्टोकॉर्पेसी या डिप्टोक्राफ्ट फॉरेस्ट, तो पहचान लीजिए एग्जाम मिल जाए कभी तो शब्द, ये कहाँ मिलते हैं भारत में, ये मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में, अरुणाचल में बहुत बड़ी मात्रा मिलेंगे, पूरे अरुणाचल मिल जाएंगे आपको ये जंगल, डिप्टोकॉर्पेसी प्रकार का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, पौधों की प्रजाति है जिसका नाम देख रहे हैं आप, डिप्टोकॉर्पेसी पौधों की प्रजाति होती है, तो बहुत बड़े स्केल मिलते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो मिलेंगे आपको नामदफा के अंदर भी, ये जंगल का एक प्रकार है, पेड़ों का प्रकार है जो मिलता है आपको अरुणाचल के अंदर भी दोस्तों। इसके अलावा याद रखें कुछ बातें आपके साथ, देश के मैंने कहा चौथा लार्जेस्ट है आपका नामदफा, बाकी तीन कौन है सर, बाकी तीन का वो दो और नोट कर लीजिए स्क्रीन पर देखकर मेरे साथ, कौन कौन से हैं सर, हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ आता है सर, लद्दाख में आता है ये, एस्टैब्लिश हुआ 81 में सर, एरिया आप देख ही रहे हैं यहाँ पर लगभग 4400, डेजर्ट नेशनल पार्क, उसके बाद राजस्थान का मरुभूमि नेशनल पार्क सेम ईयर एस्टैब्लिश हुआ, ये भी इतने बड़े आकार का सेकंड नंबर पर है, गंगोत्री नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में आता है जो तीसरे नंबर पर है, और नामदफा आकार में चौथे नंबर पर आता है कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क और गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का, जी हाँ दोस्तों टॉप 6 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देश के नेशनल पार्क आकार के आधार पर सबसे बड़ा है आपका हेमिस, कहाँ पर है सर हेमिस, लद्दाख में, डेजर्ट राजस्थान में, गंगोत्री उत्तराखंड में, नामदफा चौथे नंबर पर, नामदफा अरुणाचल में, कंचनजंगा सिक्किम में, और गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, जी हाँ टॉप 6 आपके इंडिया में साइज के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिए सुन लीजिए आराम से, आराम सुनेंगे हम लोग यहाँ पर, ये पीटी के काम की, हर चीज़ पीटी काम की है दोस्तों, हर काम चीज़ पीटी का आ सकता है, पीटी में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए यार, इससे और मज़ा नहीं आएगा काम करने मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से, तो हम बात करें नामदफा की आपके साथ, रही उड़ने वाली गिलहरी आपकी यहाँ पर,
उड़ने वाली गिलहरी की बात करें, फ्लाइंग स्क्विरल की बात करें, तो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फ्लाइंग स्क्विरल की बात करें, याद रखिएगा नाम दफ़ा एस्टैब्लिश हुआ था 1972 में, पूछेगा नहीं, हालांकि ये फैक्ट नहीं पूछता वो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क घोषित किया गया 1983 में, इसको नाम दफ़ा को याद रखिएगा। ये जो नाम दफ़ा है याद रखिएगा, काम कहाँ पर है, चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैंने आपको चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये फोर्थ लार्जेस्ट है इंडिया का। ये काम की बात क्या है, नाम दफ़ा नेशनल पार्क है ना, एकमात्र नेशनल पार्क है, एकमात्र जगह है इंडिया की जहाँ आपको चारों बिग कैट, चारों प्रकार के बड़े जो जीव हैं वो मिलेंगे। आप कौन कौन से सर, तेंदुआ, टाइगर, क्लाउडेड लियोपोर्ड और स्नो लियोपोर्ड, जी हाँ चारों मिलेंगे आपको। तेंदुआ मिलता है, बाघ मिल जाता है, क्लाउडेड तेंदुआ मिल जाता है और स्नो तेंदुआ या हिम तेंदुआ मिल जाता है, जी हाँ ये चारों मिलेंगे एक ही नेशनल पार्क है देश का जहाँ पर आपको ये चारों जीव मिल सकते हैं। तो पूछ सकता है नाम दफा पे क्वेश्चन, नाम दफा पूछ चुका है किस राज्य में है, अब पूछ सकता है नाम दफा की विशेषताओं के बारे में, तो याद रखिएगा फोर्थ लार्जेस्ट भी है और यहाँ पर ये ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, तो तेंदुआ, बाघ, क्लाउडेड तेंदुआ और स्नो तेंदुआ या हिम तेंदुआ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा नाम दफा के अंदर। काफ़ी चर्चा है नाम दफा पर, अरुणाचल पर, मोहली पर, दिबांग पर, नाम दफा पर, केमांग पर, ये पूरा इलाका जो इस बार का है अरुणाचल का, ये पूरा इलाका आपके लिए काम करेगा दोस्तों। ये कहाँ से खुल गए मोदी साहब, कहाँ से आ गए हमारे पास, ये तो रात का हेल्थ पॉलिसी की बात मैं रात को कर रहा था करंट अफेयर्स में आपके साथ। ओके ठीक है दोस्तों, याद रखिए सारी बातें काम की आपकी, ये तो ये आपका 2 और 7 नंबर, केमांग और नाम दफा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। दोस्तों बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अगर सब कुछ सब बेकार हो जाएगा, 3 मिनट बेकार हो जाएगी मैप वैप निकालने की, अगर मज़ा नहीं आ रहा होगा तो बताइए। सब कुछ ठीक चल रहा है दोस्तों हमारे बीच, सब कुछ ठीक चल रहा है सर, सब कुछ ठीक चल रहा है सर हमारे बीच यहाँ पर, बताइए फटाफट मुझे, आगे बढ़ूंगा उसके बाद फिर मैं आपके साथ, आगे बढ़ूंगा फिर मैं आपके साथ यहाँ पर। यस सर सब कुछ ठीक चल रहा है दोस्तों, आज गला ख़राब हो रहा है मेरा, एक्चुअली में टेंशन मुझे हो रही, गला ख़राब हो रहा है, दिन भर क्लास देनी है मुझे, आई डोंट नो कैसे होगा। यस सर सब ठीक है, ओके ओके आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। तो याद रखिएगा चर्चा में आया था कुछ दिनों पहले, मार्च 2020 में चर्चा में आया था कि आपका सर नाम दफा चर्चा में आया था, यहाँ क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं, जी हाँ ये लगातार खबर में आ रहा है, 12 मार्च की खबर में था, नाम दफा नेशनल पार्क रैम्पेंट डीफॉरेस्ट, जंगल काटे जा रहे हैं बड़े स्केल पर दोस्तों, देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोगों के संग अरुणाचल का नाम दफा नेशनल पार्क, तो जंगल काटने की वजह से चर्चा में आया था कुछ दिनों पहले, जंगल बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, अगला टॉपिक, अगली खबर हमारे पास मेघालय की बात करते हैं सर, मेघालय बता दीजिए, बहुत चर्चा में रहता है, हमको जानते नहीं इसके बारे में, लास्ट वीक हमने बात की थी नागालैंड पर, नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड डेल में देखा था हम लोगों ने, अभी हमने देखा अरुणाचल डेल में देख लिया आपके साथ, अब बात कर लेते हैं मेघालय की, मेघालय डेल में देख लेंगे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। असम देख चुके हैं लास्ट वीक हम लोग, असम बात कर चुके हैं, तो असम से नागालैंड लास्ट वीक हो गया था, आज हम बात कर लेंगे सिक्किम पर, अरुणाचल पर और मेघालय पर, बाकी मणिपुर मिजोरम बचेंगे उसको नेक्स्ट वीक देख लेंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास 3 हफ्ते में जो पूरी क्लास करनी है मुझे, पूरी लोकेशन हो जाए सारे में, तो आइए मैं तुम बात करते हैं पहले मेघालय के बारे में, मेघालय में क्या है सर बात करने के लिए अपने पास सर, बालपक्रम की बात करें दोस्तों, बालपक्रम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है सर, मेघालय में आता है, बालपक्रम नेशनल पार्क कहाँ आता है सर, मेघालय में आता है, मेघालय में कहाँ आता है सर, गारो पहाड़ियों में आता है, मेन बात गारो पहाड़ियों, गारो खासी जयंती ने सुना होगा आपने, पहाड़ियों के नाम है वहाँ पर, तो दक्षिणी गारो पहाड़ियों में आता है दोस्तों, ये मेघालय राज्य में आता है और एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, बहुत बहुत जैव विविधता बहुत अधिक है यहाँ पर और संकटग्रस्त भी है, जैव विविधता अच्छी है लेकिन वो नष्ट हो रही है, वो संकटग्रस्त है यानी वो खत्म हो रही है। चलिए दोस्तों सुन लीजिए, नेशनल पार्क बनाया गया दोस्तों कब इसको मालूम है, 85 में नेशनल पार्क बनाया गया उसको यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ की जो विशेषता है वो महाखड्ड या कैनायन या डीप गॉर्ज बोल सकते हैं, बड़ी गहरी खाड़ियाँ, खाइयाँ हैं बहुत गहरी यहाँ पर, पानी बहता है नीचे, नदी बहती है, तो बड़ी गहरी खाइयाँ महाखड्ड बोलते हैं, कैनायन, ग्रैंड कैनायन या डीप गॉर्ज बने हुए हैं यहाँ पर, जो उसकी विशेषता है अपने आप में, जैसा कि अमेरिका ग्रैंड कैनायन आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो उसके बारे में, अमेरिका ग्रैंड कैनायन है, महाखड्ड है, कोलोराडो नदी बहती है वहाँ से, कोलोराडो नदी बहती है अमेरिका के महाखड्ड से, उसी प्रकार से इस इलाके से भी बड़े महाखड्ड बने हैं, तो मेघालय को आप जब देखेंगे इस बालपक्रम को तो आपको याद आएगा अमेरिका का ग्रैंड कैनायन याद आएगा, तो इतने डीप गॉर्ज, इतने गहरे गॉर्ज बने हैं यहाँ पर नदी द्वारा बनाए गए हैं, तो हिमालय
मेघालय पठार की बात कर रहा हूँ, गारो पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ बना है बालपक्रम नेशनल पार्क और फेमस है किसके लिए सर, आएंगे एक बार आपके संग बात करेंगे। बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर मैं, ये फेमस है अपने बार्किंग डियर। बार्किंग डियर कौन होता है सर? भौंकने वाले हिरण। जी हाँ, बार्किंग हिरण के कई प्रकार होते हैं, उन्हें होता है भौंकने वाला, बोला कुत्ता भौंक रहा है कोई, तो बार्किंग डियर के लिए फेमस है अपने ये, और सुनहरी बिल्ली के लिए फेमस है। कौन सा सर? बालपक्रम या बालपक्रम, ये याद रखिएगा, बालपक्रम या बालपक्रम, ये फेमस है अपने किसके लिए? सुनहरी बिल्ली के लिए और फेमस है भौंकने वाले हिरण के लिए। मतलब कुत्ता बिल्ली दोनों है, कुत्ता नहीं है यहाँ पर, कुत्ते वाला आवाज़ वाला हिरण है यहाँ पर, और बिल्ली है, गोल्डन कैट है यहाँ पर हमारी, गोल्डन कैट सुनहरी बिल्ली या गोल्डन कैट मिलेगी आपको यहाँ पर, बार्किंग डियर मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जंगली भैंसा, याद रखिएगा जंगली भैंसा हमेशा काम का, जंगली भैंसा जहाँ मिल जाए पकड़ लीजिए जंगली भैंसे को, ठीक है ना, जब खबर आ जाए जंगली भैंसे की पकड़ लीजिए तुरंत वहाँ पर उसको। इसके अलावा यहाँ रेड पांडा मिलेगा, हाथी मिलेगा आपको, बाघ मिलेंगे आपको यहाँ पर, और एक मिलती है मार्बल कैट, मार्बल जाता है ना, मार्बल पत्थर स्टोन वैसी उस पर स्किन होती है मार्बल जैसी, उसकी उस पर स्पॉट बने होते हैं मार्बल टाइप के बिल्ली के पैर, तो सुनहरी बिल्ली, मार्बल कैट बिल्ली, टाइगर मिलेगा आपको, हाथी मिलेगा यहाँ पर, भैंसा मिलेगा हमारा जंगली भैंसा फेमस यहाँ पर, और मिलेगा रेड पांडा, छोटा जीव रेड पांडा भी। कहाँ की बात हो रही है दोस्तों? मेघालय की सुंदर जगह की, बहुत 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 ही शानदार सुंदर जगह, मतलब आपको लगता नहीं आप इंडिया में कहीं है, लगता है कि दुनिया के बाहर, देश के बाहर आ गए कहीं आप लोग, तो बिल्कुल गारो नेशनल अनएक्सप्लोर्ड अपने आप में, बात मैं कर रहा हूँ बालपक्रम या बालपक्रम नेशनल पार्क के दोस्तों, यहाँ पर बना है गारो पहाड़ियों में दोस्तों, सुन लीजिए इसके अलावा, ठीक है, तो बताया आपको रेड पांडा मिलता है यहाँ पर दोस्तों, रेड पांडा यहाँ पर है, रेड पांडा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, संग रेड पांडा यहाँ पर। अभी कुछ समय रिपोर्ट जारी की गई, जो उस जो टाइगर रिपोर्ट जारी की गई, 28 जुलाई को टाइगर डे होता है, तब रिपोर्ट जारी की गई, उसमें कहा गया, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो टाइगर जोन हैं, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी बड़े स्केल पर नज़र डाल रही हैं, शिकार हो रहा है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें बापक्रम का नाम भी रखा गया था, यहाँ भी शिकार एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, ब्रह्मपुत्र का प्लेन है यहाँ पर, यहाँ भी शिकार लगातार बढ़ रहे हैं, गारो पहाड़ी में लगातार शिकार बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बात कर रहे हैं बालपक्रम नेशनल पार्क की, टाइगर रिजर्व की बात करें, सुनिए आराम से दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर आता है सर, ये मेघालय देख रहे हैं, गारो पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियों का साउथर्न पार्ट, सदर्न गारो पहाड़ियाँ, तो बालपक्रम नेशनल पार्क बिल्कुल मेघालय, बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास बालपक्रम नेशनल पार्क, दक्षिणी गारो पहाड़ियों में आता है दोस्तों, ये दक्षिणी गारो पहाड़ियों में आपका ये दिखाई देगा आपको यहाँ पर दोस्तों। ये देख रहे हैं आप जो जंगली भैंसा पानी में रहता है, ये वाटर बफेलो भी कहते हैं कई बार इसको हम लोग, यहाँ पर जो है ये वाटर बफेलो है, पानी में ज़्यादा रहता है ये, तो जंगली भैंसा याद रखिएगा, जब भी मिल जाए जंगली भैंसा पकड़ के बैठ जाइएगा, तुरंत क्वेश्चन इस पर आ सकता है, ठीक है। ये अपना फेमस बार्किंग डियर, ये अपना महाखड्ड, इस प्रकार के महाखड्ड बने सुंदर, बहुत ही शानदार चीज़ अपने आप में ये महाखड्ड बने आपके यहाँ पर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से दोस्तों, आगे चलेंगे आपके संग, फटाफट आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगले टॉपिक पर हम लोग आएंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे दोस्तों, फटाफट सुन लीजिए, हम बात करते हैं मेघालय की, मेघालय बताया नहीं सर आपने, रुक गए आप, मेघालय बताते बताते, सुन लीजिए मेघालय की बात कर लेता हूँ दोस्तों, मेघालय की मैं चर्चा कर दूँगा आपके साथ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, मेघालय में 4-5 ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, वो ज़्यादा चर्चा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार आपके साथ, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहली बात तो मेघालय में कौन कौन से इलाके दिख रहे हैं आपको, 4-5 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपको याद करने के लिए, एक आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक नंबर की बात करें, पहले एक नंबर बात करते हैं सर आपके साथ, ये है दोस्तों एक नंबर की सीमा यहाँ पर, इसका मैप बदल रहे यार, बैक कलर कर लेते हैं, ओके याद देख रहे हैं दोस्तों, एक नंबर की सीमा यहाँ से यहाँ तक, एक नंबर क्या है, यही है बालपक्रम नेशनल पार्क, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, दक्षिणी गारो पहाड़ियों में आता है, आपको दिख गया होगा मैप में ये, इसके बीच में दोस्तों ना, इसके बीच में इस नेशनल पार्क के बीच में बना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मान लीजिए नेशनल पार्क है बड़ा सा, इसके बीच में बना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है सीजू याद रखिएगा नाम इसका, जिसका नाम है दोस्तों सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है ये सर, ये मेघालय में आता है बालपक्रम नेशनल पार्क के बीच में, घिरा हुआ चारों तरफ से नेशनल पार्क से, ये सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों याद रखिएगा, सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आती है सर, मेघालय में, ठीक है, तो बालपक्रम और सीजू हो गए एक दूसरे के यहाँ पर अंदर हो गया सीजू इसके, इसके अलावा नंबर 4 कुछ खास नहीं है, इसके अलावा नोकरेक याद रखना है आपको, नोकरेक कहाँ है सर, नोकरेक भी गारो पहाड़ियों में, नोकरेक का नाम जरूर सुना होगा आपने, नोकरेक एक नेशनल पार्क है, नोकरेक एक नेशनल पार्क है दोस्तों, ये भी गारो पहाड़ियों पर है, खास बात क्या है, ये अलग करता है ईस्ट गारो को वेस्ट गारो के साथ, ये ईस्ट गारो जिला है यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये, तो ये ईस्ट गारो को अलग करता है वेस्ट गारो से, ठीक है,
तो ये ईस्ट गारो, ये वेस्ट गारो, गारो पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी गारो पश्चिमी गारो उनको अलग करता है। इसीलिए कई बार ना, इसीलिए कई बार नोकरेक को बोलते हैं हम लोग रिज नेशनल पार्क, रिज कटक रिज RIDGE रिज नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि रिज है अपने आप में दोनों पहाड़ियों के बीच का स्थान। तो एक पास कटक एक बीच का उठा हुआ इलाका होता है ऐसे ही, एक तरफ और एक तरफ लिखेगा आपको बीच का उठा हुआ इलाका जहाँ बनाया नेशनल पार्क है। तो कई बार नोकरेक को हम लोग बोलते हैं नोकरेक रिज या नोकरेक या केवल रिज नेशनल पार्क। तो मिल जाए पहचान लीजिए कभी कहाँ पर है सर ये, ईस्टर्न मेघालय या ईस्टर्न गारो हिल्स और वेस्टर्न गारो हिल्स के बीच का इलाका है ये, जहाँ दोनों जिलों की सीमाएं मिलती हैं वहाँ बना है ये रिज नेशनल पार्क या नोकरेक नेशनल पार्क। याद रखें दोस्तों, हम लोग उम्मीद कर रहा हूँ याद पाएंगे मेरी तरफ यहाँ पर ये चीज़ों को, ठीक है। तो काम की 5 चीज़ें लेकिन 3 बहुत काम की हैं, उसमें से नोकरेक पूछ चुका है UPSC ऑलरेडी, नोकरेक बात हो चुकी है, बागपकर में आज तक बात नहीं हुई है, शायद यहाँ से बात हो जाए निकाल लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट और सदर्न के जो इलाके हैं उन सबको आपको ढंग से देखना पड़ेगा, वहाँ जो नेशनल पार्क है वहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपको देखना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी चर्चा हो ना हो उन पर क्वेश्चन आ सकता है, साउथ के अगर पूछेगा तो पर्टिकुलर चर्चा में होना चाहिए, चाहे बांदीपुर का हो, चाहे वायनाड का हो, चाहे वो आपका नीलगिरी का हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो कोई, वहाँ न्यूज़ में आओ तभी आएगा। नॉर्थ ईस्ट में न्यूज़ में ना भी हो तब भी वहाँ से निकल सकता है आपके लिए वही नेशनल पार्क का क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नौकरी की बात मैं कर रहा था यहाँ पर, चलिए और कुछ है सर इसमें, और कुछ है सर इसके अंदर, एक और देख लेते हैं थोड़ा सा बचा केवल बता दूं मैं आपको दोस्तों ना, एक पिचर प्लांट होता है, मतलब पिचर प्लांट क्या होता है सर, पिचर प्लांट जानते हैं क्या होता है आप लोग, पिचर प्लांट दिखा पाऊं मैं आपको, अगर पिचर प्लांट नरभक्षी प्लांट या भक्षी प्लांट तो नहीं कहूंगा मैं इसको अपने आप में, ये पिचर प्लांट होते हैं जो कहना चाहिए कीटों को खा लेते हैं, जीवों को खा लेते हैं अपने आप में ये, ठीक है। तो ये अपने आसपास से जीवों को पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं, पिचर प्लांट, नरभक्षी कहना गलत होगा, ये मांस पक्षी या जीवों को खा सकते हैं, इनके आकृति इस प्रकार की होती है, इन पर पक्षी आकर्षित, उन पर जीव या कीट आकर्षित होकर बैठ जाते हैं और इनको कैच करके बंद कर दे, पिचर प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पिचर प्लांट जो मिलेंगे आपको दुनिया में कई जगह मिलेंगे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से पिचर प्लांट की, पिचर, ठीक है, PICHER पिचर, पिचर प्लांट्स। याद रखिएगा मेघालय में ना पिचर प्लांट के लिए भी एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है दोस्तों, आइए रहा थोड़ा चर्चा कभी हो जाए तो पहचान लीजिएगा इसको भविष्य में आप लोग कभी, मैं बात कर रहा हूँ मेघालय की आपसे। देख रहे हैं आप बापक्रम के बिल्कुल सीमा पर, ये बापक्रम देख रहे हैं आप लोग, उसके अंदर सिजू देख रहे हैं और बिल्कुल छोटा सा नंबर 3 देख रहे हैं आप यहाँ पर, नंबर 3 ये मालूम है क्या है दोस्तों, ये नंबर 3 बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पर, ये है आपका नंबर 3 पर बाघमारा पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ ये बहुत काम का रहेगा आपके लिए, बाघमारा पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देख लीजिए इसका आराम से नाम, इसका बाघमारा पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है दोस्तों, कीट बक्षी प्लांट होते हैं पिचर प्लांट आपके, तो बाघमारा वाइल्ड लाइफ बहुत छोटे से आकार के, बहुत छोटे से आकार का है, बहुत आप देख रहे हैं एरिया कुछ भी नहीं है इसका तुलनात्मक रूप से, 0.02 स्क्वायर किलोमीटर कुछ भी इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देश में, याद रखना है आपको, ये बहुत छोटी सी है एक लोकेशन केवल, एक जंगल का छोटा सा इलाका बहुत ये, लेकिन आपके काम का है ये, क्योंकि बना है मेघालय में बिल्कुल बांग्लादेश सीमा पर, बाघमारा पिचर प्लांट, बाघमारा पिचर प्लांट याद रखिए दोस्तों हम लोग, पूछ सकता है कभी, याद रखिएगा एग्जाम में आ जाए, नॉर्थ ईस्ट में लोकेशन चर्चा में हो ना हो लेकिन आपको याद होना चाहिए बाघमारा पिचर प्लांट। आज कोई टेस्ट है हमारा, बच्चे बार बार कह रहे हैं सर टेस्ट है, कोई टेस्ट है क्या हमारे पास, कोई टेस्ट है क्या हमारा आज, बताइए फटाफट लोग दोस्तों, बताओ बताइए फटाफट, टेस्ट है क्या हमारा कोई आज, तो बांग्लादेश बात करें मेघालय की दोस्तों, नोकरेक बालपक्रम सीजू मेघालय में, एक हमने देखा बाघमारा नेशनल, बाघमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टेस्ट है 10 बजे, कहाँ पर है टेस्ट यार, कौन ले रहा है टेस्ट, मैं ले रहा हूँ क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, नो सर, यस सर, नो सर, मालूम ही नहीं आप लोगों को, तो क्लास है आप लोगों की यार, और मेरी क्लास है मुझे नहीं मालूम, मतलब बड़ी बात तो ये है कि रात को 10 बजे टेस्ट है, रात को 10 बजे टेस्ट होगा यार, रात सुबह 10 बजे टेस्ट कोई लेता है क्या, सुबह 10 बजे टेस्ट होगा, पढ़ाने का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है सुबह सुबह, तो यार टेस्ट तब जाता है बिल्कुल थक गया जाते हैं, दिमाग थक जाता है तब होता है टेस्ट आपका, अभी कहाँ से मैं टेस्ट लूँगा आपका यार, अनअकैडमिक टेस्ट तो मेरा नहीं है भाई, वो टेस्ट मेरा टेस्ट नहीं है, वो 23 तारीख को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, जाके दीजिए आराम से,
मुझे नहीं लेना वो आपका, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट मिलेगा, जाके दे सकते हैं आप लोग, जाइए दीजिए वहाँ पर, मुझे नहीं लेना वो टेस्ट, बन के प्रिंट हो गया जाके दीजिए यहाँ पर सुबह सुबह आराम से। मेरा जो टेस्ट होगा रात में, को थक जाते हैं, मकदूर को काम करना बंद कर देगा आपका, तब मैं बम्बार्डिंग करूँगा सवालों की आपसे, अभी क्या टेस्ट लूँ आप लोगों का मैं, ठीक है ना। चलिए मैं समझ सकता हूँ, अनअकैडमी पर आपका टेस्ट होगा 10 बजे, वहाँ जाके दीजिए आराम से, मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, आप क्लास बाद में देख लीजिएगा। चलिए प्लीज़ सुन लीजिए दोस्तों, सुन लीजिए मेहनत से बना के लाए हूँ चीज़ें आपके लिए, सुन लीजिए प्लीज़। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। मैं बात करता मेघालय की, याद हो गया मेघालय आपको, नोकरेक, बापक्रम, सीजू और बाघमारा, 5 में 4 याद कर लीजिए, बाकी 5 बहुत काम का नहीं है वो, तो 4 लोकेशन याद रखिएगा मेघालय की। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नोकरेक की बात मैं कर रहा थोड़ी देर पहले आपसे, नोकरेक बताया मैंने आपको, ये यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। नोकरेक को रेड पांडा मिलता है दोस्तों, यहाँ भी रेड पांडा के लिए फेमस है अपने, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है आपको ये, कई प्रकार के बंदर, कई प्रकार के मैकाओ, कई प्रकार के यहाँ पर आपको बंदर मिलेंगे, कई प्रकार के आपको यहाँ पर मैकाओ मिलते हैं यहाँ पर। हुलॉक गिबॉन्स याद होगा दोस्तों आपको, हुलॉक गिबॉन्स लास्ट का दिखाया था आपको, हुलॉक गिबॉन्स मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बिल्कुल सबसे करीबी पड़ोसी हुलॉक गिबॉन्स, याद है ना, हुलॉक गिबॉन्स भूले नहीं होंगे उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग। हुलॉक गिबॉन जो टंगा हुआ था पेड़ पर, नागालैंड के पेड़ के ऊपर, देखा था आप लोगों ने फोटो मेरे साथ, वही हुलॉक गिबॉन यहाँ मिलता है, कहाँ पर दोस्तों, नोकरेक नेशनल पार्क में हुलॉक गिबॉन्स मिलते हैं आपके। जो एप है, जो एक प्रकार से मानव का सबसे करीबी रिश्तेदार कहूँगा मैं, अच्छा रहेगा, एप प्रजाति का, भारत के एकमात्र एप प्रजाति का जीव है वो हुलॉक गिबॉन, मिलता है त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में, मेघालय में, तो यहाँ मिलता है आपको, कहाँ मिलता है दोस्तों, वो नोकरेक नेशनल पार्क मिलता है आपको हुलॉक गिबॉन यहाँ पर दोस्तों, याद है आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए लास्ट क्लास से, याद रखिएगा। चर्चा होती रही थी भी, कुछ दिन पहले खबर आई थी यहाँ पर, ये सांभर जो आपका होता है, सांभर हिरण की बात मैं कर रहा हूँ, इसको मार दिया था गारो हिल्स पे इन नोकरेक में यहाँ पर शिकारियों ने, कुछ दिन पहले खबर आई थी, तो एंडेंजर्ड है अपने आप में सांभर, अपने आप में उसको मार दिया था शिकारियों ने यहाँ पर। ये आपका फेमस पिक टेल मकाओ बंदर, एक प्रकार का बंदर यहाँ पर, पिक टेल मकाओ मिलता है आपको यहाँ पर फेमस, तो बंदर के प्रकार मिलते हैं आपको यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में लोकेशन आप देख ही रहे हैं इसकी, यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है, या रिज नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको हम लोग। चलिए दोस्तों ठीक है, याद रखिए यहाँ मिलता है रेड पांडा, यहाँ मिलता है फेमस आपको रेड पांडा, यहाँ भी मिलता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, चलिए चलो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपके साथ। अगला हमारे पास है, मेघालय से बाहर आए, बढ़ें अपने राजस्थान की ओर, अपने माड़े राजस्थान में क्या है, माड़े राजस्थान में दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क चर्चा में रहा, केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क पहले इसका नाम हुआ करता दोस्तों, पहले इसका नाम था भरतपुर पक्षी विहार, भरतपुर बर्ड सेंचुरीज का नाम होता था, अभी केवलादेव नेशनल पार्क बन चुका है दोस्तों, राजस्थान में है। खास बात है यहाँ पर आते हैं पक्षी बाहर से, साइबेरिया से, सर्दियों के मौसम में हमारे राजस्थान पहुँचते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी या केवलादेव नेशनल पार्क है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। भरतपुर जो लगा हुआ यूपी बॉर्डर से आपके बात करें हम लोग, मैप में देखते हैं कहाँ पर दोस्तों ये, कहाँ पर है ये अपना भरतपुर, यहाँ पर देखेंगे चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पर समस्या क्या है आजकल भरतपुर की, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कुत्तों का आतंक, जी हाँ कुत्ते, रियल कुत्ते, मतलब इंसानी कुत्ते नहीं, रियल कुत्तों की बात हो रही है यहाँ पर, उनका आतंक बढ़ गया है और वो कर रहे हैं हिरणों का, चीतल का, सांभर का शिकार। जी हाँ याद रखिएगा, ये चीतल जो हैं, जो बहुत संख्या हुआ करती थी यहाँ पर, ख़त्म हो गए हैं इन कुत्तों के कारण। जी हाँ याद रखना है आपको, ये कुत्ते शिकार करते हैं यहाँ पर, इन जीवों का शिकार कर रहे हैं बड़े स्केल पर दोस्तों ये। अगर मैं बात कर पाऊँ 2 मिनट सुन लीजिए यहाँ पर आपके साथ, तो हम बात कर रहे हैं केवलादेव नेशनल पार्क की, मैं आप देखना चाहेंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर, एक तो चीज़ दिखानी है मुझे आपको इसमें, ठीक है ना दोस्तों, देख रहे हैं आप किस प्रकार, ये है अपना ब्लैक बग, राजस्थान का ब्लैक बग फेमस, एक शानदार फोटो अपने पास, काला हिरण, उसका पीछा करता हुआ वो कुत्ता,
तो ये तो कुत्ता अकेला बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा इसका, लेकिन कुत्तों का झुंड होगा अगर तो नुकसान कर सकते हो, कर भी रहे हैं। पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर केवला देव नेशनल पार्क तक के इलाके में कुत्तों के झुंड द्वारा हिरणों को मारा जा रहा है। ये कुत्ता ही है केवल, से कुत्ता इसमें दिखा दिया आपको, यहाँ पर किसी और की बात नहीं हो रही है। हालांकि सलमान खान पर आरोप लगा था कि उसने काले हिरण को मारा था, सलमान खान पर आरोप लगा था काले हिरण को मारा था उसने, तो यहाँ पर सलमान खान नहीं दिख रहे तस्वीर में आपको, यहाँ पर एक कुत्ता दिख रहा है जो पीछा कर रहा है। किसका दोस्तों? पीछा कर रहा है ये काले हिरण का। तो ऐसे में काला हिरण हो, सांभर हो, चीतल हो, उनको लगातार उनकी मौत हो रही है, उनकी मौतें हो रही हैं यहाँ पर दोस्तों। सुन लीजिए फटाफट, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कहाँ पर है केवला देव नेशनल पार्क दोस्तों। केवला देव नेशनल पार्क को सीमा पर बना है यूपी और राजस्थान की सीमा पर। मैप देखते हैं दोस्तों, थोड़ा मैप डिटेल में देखेंगे आपके साथ, बात राजस्थान की हो जाए अपने साथ, एक बार राजस्थान की बात भी हो जाए आपके साथ यहाँ पर, तो राजस्थान की बात भी कर दूँ मैं आपके साथ। आइए राजस्थान की बात करें, भरतपुर दिख रहा है आपको यहाँ पर मैप में, देख रहे हैं बड़े मैप में तो भरतपुर का इलाका, और ये नंबर दो पे आपको दिख रहा है भरतपुर धौलपुर की सीमा पर बना है ये आपका, नीचे बिल्कुल बना हुआ है। नंबर दो दिख रहा है आपको जो, वो है आपका केवला देव नेशनल पार्क। जी हाँ, केवला देव नेशनल पार्क या भरतपुर नेशनल पार्क, भरतपुर के नाम से भी बोलते थे हम लोग पहले इसको, तो केवला देव नेशनल पार्क। याद रखिए पूरे राजस्थान की बात मैं करूँ ना, पूरे राजस्थान में आप बिल्कुल पश्चिम में जाइए, बिल्कुल पश्चिम में जाइए राजस्थान के मैप में, तो आपको यहाँ मिलेगा एक नंबर 11 स्क्रीन पर, नंबर 11 दिख रहा है आपको, जैसलमेर और बाड़मेर के जिलों में फैला हुआ यह है आपका मरुभूमि नेशनल पार्क दोस्तों। यह है आपका मरुभूमि नेशनल पार्क दोस्तों। मरुभूमि नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, आप देखा था वहाँ पर लद्दाख का नाम था, वहाँ पर आपका सेकेंड नंबर पर डेजर्ट का था, तो देश का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका कौन सा? मरुभूमि नेशनल पार्क। कहाँ है सर? जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तान में फैला हुआ, देश का सेकंड लार्जेस्ट साइज में, पहला लद्दाख का था, दूसरा ये था, आपने नाम देखा था पीछे भी इसका, तो जैसलमेर और बाड़मेर फैला हुआ देश का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जो कहाँ है सर? राजस्थान में आता है। बात करेंगे इस पर भी दोस्तों आपके साथ। हाल फिलहाल राजस्थान की बात मैं कर रहा था आपसे, भरतपुर की बात मैं कर रहा था, तो भरतपुर चर्चा में था कुछ दिनों पहले। यहाँ पर केवला देव राष्ट्रीय पार्क में लगातार हिरणों को मारा जा रहा है, कुत्तों द्वारा हिरणों को मारा जा रहा है। काम की बात सुन ली दोस्तों, काम की बात क्या है? केवला देव राष्ट्रीय पार्क जो साइबेरियन सारस यहाँ पर आते हैं, यहाँ के झीलों में, यहाँ के पानी में सर्दियों के मौसम में, ये देश का एक रामसर साइट भी है। केवला देव नेशनल पार्क देश का एक रामसर स्थल भी है, रामसर वेटलैंड स्थल भी है, याद रखना है आपको यहाँ पर काम की बात इन्फॉर्मेशन। ये जो है आपका, ये देश का एक वेटलैंड भी है दोस्तों, ये एक वेटलैंड भी है आपका, ठीक है। तो केवला देव घाना नेशनल पार्क जो है आपका दोस्तों, ये आपका एक वेटलैंड भी है, पहचान लीजिएगा इसको, मिल जाए एग्जाम में तो कभी, तो ये आपका एक वेटलैंड रामसर साइट भी है वेटलैंड कन्वेंशन के तहत। ओके दोस्तों, ठीक है, याद रखिए काम की चीजें आपके लिए। बर्ड सेंचुरी था, फिर बना आपके यहाँ केवला देव नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आपके साथ, थोड़ा आगे चलेंगे आपके साथ यहाँ पर, यहाँ तो कोई समस्या उम्मीद कर रहा हूँ नहीं आ रही है। एक्चुअली थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, इसमें बोलने मुश्किल हो रही है मुझे यार। ठीक है, साइबेरियन सारस नहीं मारे गए दोस्तों यहाँ पर, साइबेरियन सारस यहाँ नहीं मारे गए, वो कहाँ मारे गए? सांभर लेक में ना, वो अलग चीज़ है, वो अलग खबर थी। साइबेरियन सारस या प्रवासी पक्षी कहाँ मारे गए थे? जो एक एवियन बॉटलिज्म हुआ था, एवियन बॉटलिज्म नाम की एक बीमारी हुई थी, इससे पैरालिसिस हो गया था उनके गर्दन में, उनके पाँव में, एवियन बॉटलिज्म बीमारी हुई थी यहाँ पर, पक्षियों में हुई थी ये, बैक्टीरिया का बीमारी हुई थी ये, और वो कहाँ पक्षी मारे गए थे? सांभर लेक पे, वो केवला देव नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा वो सांभर लेक थी, अलग है यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, चलिए दोस्तों यहाँ पर रखना सारी बातें आपको, साइबर इंक्रीन की बात हो रही है। चलिए ये वो केवला देव, आगे बढ़ेंगे दोस्तों केवला देव के बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं, चर्चा कर लें डेजर्ट नेशनल पार्क पे दोस्तों। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है सर? ये बताया मैंने आपको राजस्थान में है, जैसलमेर और फैला हुआ बाड़मेर में। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आफ्टर आपके लद्दाख के नेशनल पार्क का, सेकेंड लार्जेस्ट है अपने आप इंडिया में। ये कब स्थापित हुआ था? 1980 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों आपको? कई प्रकार के जीव मिलेंगे, जिसमें फेमस क्या है यहाँ पर थोर, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड यानी तिलोर पक्षी, सोन चिड़िया, जो नाम दे लीजिए इसको आप, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड यहाँ मिलेगा फेमस आपको यहाँ पर, ग्रेट जी आई बी पक्षी, जी आई बोलते हैं उसको, तो मिलेगा आपको जी आई बी यहाँ पर,
तिलोर पक्षी, सोन चिड़िया, जौर गौर चिड़िया को भी नाम दे सकते हैं, बहुत सारे लोकल नाम भी होते हैं इस पक्षी के। तो बात करें जीआईवी कहाँ मिलता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, आपको ग्रेट नेशनल पार्क में, डेजर्ट नेशनल पार्क में, मरुभूमि राष्ट्रीय पार्क में, जो कहाँ पर है राजस्थान में आता है। दोस्तों मैप देख लेते हैं एक बार आपके साथ, तो बताया मैप मैंने पीछे दिखाया आपको मैप इसका, मैंने राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर फैला हुआ। दोस्तों आइए कुछ बात करते हैं मैप शायद इस पर, कुछ लोकेशन देख लेंगे एक बार इसके हम लोग। जीआईबी, जी हाँ जीआईबी, यानी बात कर रहा हूँ मैं इस पक्षी की आपसे, ग्रीन बस्टार्ड की बात करें, आज से 50 साल पहले ये लगभग 1200 की संख्या में हुआ करते थे, आज इनकी संख्या कम होते होते लगभग 50 से भी कम रह गई है, 150 से भी कम रह गई है। जीआईबी लगातार आबादी इनकी कम होती जा रही है, पिछले 50 सालों में ये अपनी 90% आबादी ख़त्म कर चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है 90% आबादी ख़त्म हो चुकी है इस पक्षी की। यहाँ पर कारण क्या है पक्षी आबादी ख़त्म होने का, मानवीय हस्तक्षेप, इनका इनको यहाँ पर जो बिजली तार लगाए गए हैं रेगिस्तान में उससे इनको नुकसान हो रहा है, इनके आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं, मानवों द्वारा इनकी हत्या की जा रही है, बड़े स्केल पर ये देखने में आया है। पिछले 50 सालों में इनकी 90% आबादी ख़त्म हो चुकी है, किनकी दोस्तों, इस जीआईबी की या इस तिलोर पक्षी सोन चिड़िया की। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ, सुन लीजिए, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति, अपने आप में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति है आपकी जीआईबी। दोस्तों अभी याद रखिए, अभी चर्चा में था कुछ दिनों पहले जीआईबी, क्यों चर्चा में था सर, ये जो आप देख रहे हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, हमारा स्क्रीन पर मैं देख रहे हैं आप डेजर्ट नेशनल पार्क, चर्चा में था सर ये जीआईबी पक्षी, क्यों था चर्चा में दोस्तों, अभी आपको याद होगा लॉकडाउन होने से पहले फरवरी महीने में भारत में हुआ था कोप 13 किसका था सर, ये सीएमएस का, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन, जो एक देश से दूसरे में जाती हैं प्रजातियाँ, उनके संरक्षण के लिए कन्वेंशन था ये, जिसे हम बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, कई बार बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, साइन इन 1979। ये क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, उम्मीद कर रहा हूँ यूपीएससी में सारा एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रवासी जीव हैं, चाहे उड़ के जाएँ, चल के जाएँ, तैर के जाएँ, कैसी भी अगर वो जाते हैं दोस्तों, तो अगर वो जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं अगर वो, तो उनका संरक्षण होना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पर नज़र रखनी चाहिए, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ऐसे में कन्वेंशन होता है दोस्तों यहाँ पर, ये हर तीन साल में। इस बार से कन्वेंशन कहाँ हुआ दोस्तों, गांधीनगर में। कब से कब तक हुआ सर, 17 से 22 फरवरी तक, सुन लीजिए आराम से। COP 13 किसका कन्वेंशन था, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का कन्वेंशन, सीएमएस का कन्वेंशन था दोस्तों ये। कब हुआ, फरवरी में हुआ 2020 में, कहाँ हुआ, गांधीनगर में। हर तीन साल में एक बार होता है ये कन्वेंशन, याद रखिएगा। काम की बात क्या है सर, इस कन्वेंशन में जो इसका मैस्कॉट, जो इसका शुभंकर था, वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पक्षी का नाम, शुभंकर का नाम था जीबी, इसका नाम रखा था हम लोगों ने जीबी। दोस्तों जीबी क्या है सर, ये जीबी क्या है, जीबी ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एक प्रकार से इसका नाम रखा था हमने शुभंकर का, जीबी जो क्या था बेसिकली, ये पक्षी था आपका अपना जीआईबी पक्षी, तो उसका शुभंकर का नाम था जीबी, लेकिन दिखाया किसको गया था इसमें, अपने जीआईबी पक्षी को दिखाया गया था। और काम की बात सुन लीजिए लास्ट में, इसके बाद काम की बात क्या है सर, यहां पर काम की बात दोस्तों ये है, एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकॉन को स्कोप 13 में क्या माना गया है, लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति, एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज में शामिल किया गया है। याद रखेंगे ये जीआईबी जो अपना द ग्रेट जीआईबी मैस्कॉट का नाम था अपने, तो एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड और बंगाल फ्लोरिकॉन, जो भी एक प्रकार से बंगाली बस्टर्ड भी कहते हैं कई बार उसको, बंगाली बस्टर्ड भी कहते हैं उसे हम लोग, बंगाल फ्लोरिकॉन को पक्षी वो भी एक, तो बंगाल फ्लोरिकॉन को इस सीएमएस के कोप 13 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति यानी एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज में शामिल किया गया है। यानी कि अब ये किसी भी देश में जाएगा, मूव करेगा अगर, और वो देश अगर इस कन्वेंशन का पार्ट है, तो उसको संरक्षण करना होगा, अनिवार्य होगा। यहाँ पर शेड्यूल 1 में शामिल कर दिया गया इन जीवों को, शेड्यूल 1 ऑफ सीएमएस, यानी कि कहीं भी जाएंगे जीव अगर, तो उस देश को इनका संरक्षण करना ज़रूरी होगा, आवश्यक होगा। दोस्तों याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर, याद रख पाएंगे सब चीज़ों को। तो जीआईबी की बात हो रही है दोस्तों आपके साथ, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात हो रही है, बंगाल फ्लोरिकॉन की बात हो रही है, ये लगातार चलता रहेगा दोस्तों आपके साथ, ठीक है, पहचान लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। पीएम साहब ने स्पीच भी दी थी यहाँ पर, और हमारे ही तीनों जीव हैं ये, हमारे यहाँ पाए जाते हैं तीनों जीव, ये बंगाल फ्लोरिकॉन या बंगाली बस्टर्ड भी कहते हैं इसको, बंगाल फ्लोरिकॉन को, इंडियन बस्टर्ड और एशियाई हाथी, इन तीनों को माना गया है एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज का दर्जा दिया गया तीनों जीवों को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग लेकर आपको यहाँ से, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पर, चर्चा हमारे साथ हो गई है। अच्छा याद रखिएगा, ये जो कन्वेंशन या जो मीटिंग होती है कौन कराता है, ये
जिस देश में हो रहा है वहाँ की सरकार तो कराई कराएगी। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन पार्टनर था सुन लीजिए, यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया गांधीनगर में, तो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो पहली संस्था हुई कौन से कराया सम्मेलन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने कराया, प्लस गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो सहयोगी था इसमें यहाँ पर कराने में गांधीनगर, चूंकि वो गांधीनगर में हुआ था तो ये पार्टनर था इसका गुजरात सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्लस दो संस्थाएं और इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और चौथा है CMS स्वयं से, तो CMS स्वयं एक कन्वेंशन है, एक संस्था है, तो चार संस्थाएं इन्वॉल्व थी यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और CMS, ये चारों का नाम थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, ये चारों संस्थाएं इन्वॉल्व थी इस सम्मेलन को कराने में यहाँ पर। क्लियर है हमको बातें, ये याद रखेंगे कहाँ हुआ, गांधीनगर में हुआ, मोदी साहब ने स्पीच भी दी थी और तीन भारतीय प्रजातियों को शामिल कर लिया गया Schedule 1 ऑफ CMS। Schedule 1 में मतलब कोई भी देश में जाते हैं, मूव करेंगे, ट्रांसबाउंड्री करेंगे तो वो देश इनका संरक्षण करेगा, इनका शिकार इनको परेशान नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, एक काम करते दोस्तों आज क्लास में रोकते हैं, गला बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा, थोड़ा आराम करूँगा गले को लेकर, मिलते हैं आपसे, देखते हैं अभी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आराम किया जाए गले को लेकर, कुछ ज़्यादा क्लास हो रही है कल से थोड़ा सा, अभी मुझे एक 12 बजे इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है 12 बजे एक्सपर्ट्स के साथ मेरा, तो वहाँ पर बात करनी है मुझे, थोड़ा गले को आराम दूंगा, मिलते हैं आपके साथ शाम में, प्रयास करूँगा शाम में मुलाकात हो पाए, दिन में मुलाकात हो पाए आपसे मेरी यहाँ पर, तो आज मुलाकात करेंगे दिन में आपसे किसी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक आ सकता है चर्चा के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कल के सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे मेरे, कल के सारे लेक्चर जो हमने पाकिस्तान पे लिया लेक्चर में रात में ज़रूर देख लीजिएगा, काम का लेक्चर आपके लिए, अदरवाइज हमने बात की थी कल शाम में आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, करंट अफेयर्स का सेशन लिया था मैंने अनअकैडमी UPSC हिंदी पर, देख लीजिएगा उन क्लासेस को अगर नहीं देखा है तो, और आज और क्लास होंगी शाम तक आपकी, तो बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी एक 12 बजे डिस्कशन भी है, फिर बात करेंगे शाम को आपके साथ अनअकैडमी UPSC पर। दीजिए मुझे आज्ञा दोस्तों, क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा है मेरा यहाँ पर, जब गला साथ ना दे तो बेहतर है क्लास ना की जाए, याद रखिएगा। बाकी तो हमारे आज संडे बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अभी सुमित सर भी कुछ क्लास लेकर आ रहे हैं आपके लिए आज, तो सुमित सर क्लास देखिए आप लोग, अच्छा रहेगा उनकी क्लास देखें आप लोग, तो दीजिए मुझे आज्ञा। बाकी हम प्लस पर मिलेंगे आपसे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर दोस्तों, वहाँ पर आइए जुड़िए मेरे साथ, वहाँ पर हमारे पास आइए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, और वहाँ हमसे जुड़िए, आप आ सकते हैं हमारे कोर्सेज में, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को दोस्तों, और लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन का फायदा उठाइए। जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जुड़ने के लिए यूज़ करना है Aashirvaad10 रेफरल कोड, जी हाँ Aashirvaad10 रेफरल कोड यूज़ कीजिए और जुड़िए अपने आशीर्वाद सर से, डिस्काउंट प्राप्त कीजिए एज वेल, साथ ही साथ डिस्काउंट मिलेगा, आशीर्वाद सर जुड़ने का मौका मिलेगा और देश के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का आपको यहाँ पर अफकोर्स सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जुड़िए हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर और यूज़ कीजिए Aashirvaad10 रेफरल कोड को। तो दीजिए मुझे आज्ञा दोस्तों आज के लिए, मिलूंगा आपसे मैं दिन में, तब तक लीजिए आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।